मैं स्कूल जाना चाहता हूँ ताकि पढ़ाई कर सकूँ। वो शहर जाना चाहता है ताकि काम कर सके। तुम्हें ट्रेन पकड़ लेना चाहिए ताकि समय पर पहुँच सको। सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि गरीबी दूर हो सके। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है ताकि। इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे सो दैट। ये एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट सेंटेंस, इसके बाद आपको बीच में यूज़ कर देनी है सो दैट के बाद सेकेंड सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ ताकि पढ़ाई कर सकूँ। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल सो दैट आई कैन स्टडी। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल सो दैट आई कैन स्टडी। वो शहर जाना चाहता है ताकि काम कर सके। ही वॉन्ट्स टू गो टू द सिटी सो दैट ही कैन वर्क। ही वॉन्ट्स टू गो टू द सिटी सो दैट ही कैन वर्क। सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि गरीबी दूर हो सके। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग सो दैट पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग सो दैट पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। कृपया दरवाज़ा खोल दो ताकि वो अंदर आ सके। प्लीज ओपन द डोर सो दैट सी कैन कम इनसाइड। प्लीज ओपन द डोर सो दैट सी कैन कम इनसाइड। मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि नौकरी कर सकूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी सो दैट आई कैन डू जॉब। आई वॉन्ट टू स्टडी सो दैट आई कैन डू जॉब। वो गांव जाना चाहती है ताकि अपनी माँ से ही मिल सके। सी वॉन्ट्स टू गो टू द विलेज सो दैट सी कैन मीट हर मदर। सी वॉन्ट्स टू गो टू द विलेज सो दैट सी कैन मीट हर मदर। तुम्हें ट्रेन पकड़ लेना चाहिए ताकि समय पर पहुंच सको। यू शुड कैच द ट्रेन सो दैट यू कैन रीच ऑन टाइम। यू शुड कैच द ट्रेन सो दैट यू कैन रीच ऑन टाइम।